दोस्तों, आज के इंट्राडे वीलॉग के साथ मैं कासिम नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 10 दिसंबर 2021 एंड इट इज फ्राइडे। आज अभी मार्केट का जो है पहला सेशन जो है वो तकरीबन एंड हुआ। आज के दिन जो हम देख लेते हैं कि मार्केट ने जो है कैसा बिहेव किया। जैसे चार्ट आप लोगों के सामने टर्मिनल मेरा खुला हुआ है, KCNIDX का भी करंट रेट जो क्लोजिंग रेट है फर्स्ट सेशन का 43,411 का। मार्केट ने आज के दिन जो हाई बनाया था 43,606 का और जो लो बनाया मार्केट ने 43,044, तकरीबन 107 पॉइंट मार्केट अभी भी जो है वो डाउन चल रही है ये। इसके अलावा आज के हम लोग जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स को पहले देख लेते हैं। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खास तौर पर जो है TRG, ट्रेड कॉरपोरेशन, WTL, एस्कोल, TPLP, एस्कर 9 वगैरह जो है वो शामिल है। ये TRG जो है आज अपनी अच्छी खबर की वजह से जो है ये अच्छा वॉल्यूम इसने आज के दिन जो है वो जनरेट किया ये। इसके अलावा जो है मज़ीद कुछ और आगे मुझे टॉप गेनर्स को देख लेते हैं आज के दिन कौन से स्टॉक जो है वो टॉप गेनर्स मेरे ख़ास तौर पर में कोई पॉपुलर अगर कोई स्टॉक है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हमें TRG ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिटी फार्मा भी आज अच्छा जा रहा है, मेडिको फूड, फ्रिसलैंड कंपनियाँ, ठीक है, ये जो है ना जाने पहचाने जो है ये स्टॉक है ये। इसके अलावा DGKC और मुगल के अंदर भी जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर काम जो है वो जारी है ये। हम लोग जो है फिलहाल मार्केट के बिहेवियर पर आ जाते हैं कि मार्केट आज के दिन जो है वो कैसा बिहेव कर रही है ये। फिलहाल जो मार्केट ने कैंडल बनाई हुई है यहाँ पर, ये बिल्कुल हमें जो है शूटिंग स्टार कैंडल बिल्कुल हैमर की तरह ही नजर आ रही है। ऊपर जो है जो हाई बनाया हुआ है, अगर ये बिल्कुल भी ना हो तो ये बिल्कुल हमारे पास हैमर ही है ये यहाँ पर। तो ये हैमर और ये हैमर अब ज्यादा हैमर बनना शुरू हो गए हैं और डोजिस बनना शुरू हो गए हैं, जिस इंडिकेट करती है कि मार्केट का फिलहाल ऊपर जाने का प्रोग्राम नहीं है। मार्केट फिलहाल जो है वो कुछ और ही करना चाहती है। यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम की अगर हम लोग देखें तो फिलहाल मसलसल 3 दिन से हम मार्केट के अंदर सेलिंग वॉल्यूम ही देख रहे हैं। तकरीबन आज के दिन अभी पहले सेशन में 51.669 मिलियन शेयर का कारोबार जो है वो आज के दिन देखा गया ये। इसको जो है हम लोग जरा शॉर्ट टर्म में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन जो पहला सेशन है उसमें मार्केट ने क्या किया ये। जैसे ये 10 दिसंबर है, शुरू में मार्केट ने जो है एक 3 कैंडल का एक सैंडविच बनाया और इसके बाद एक प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर जो है, और इसके बाद मार्केट फिर जो है ये नीचे का लो बनाया इसने तकरीबन 43,043 का और ये 9:55 यानी पहले घंटे में ही मार्केट ने अपना लो बना लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी आना जो है वो शुरू हुई है। यहाँ पर अगर हम लोग मार्केट के टेक्निकल्स की बात करते हैं तो टेक्निकली मार्केट जो है जो खासतौर पर मार्केट ने अपना लो बनाया तो मार्केट के लो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। जैसे ये मार्केट का लो जो है ना यहाँ सबसे पहले यहाँ से, जैसे मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई थी नीचे, तो पहला तकरीबन ऑलमोस्ट लो जो है वो मार्केट का यहाँ पर बना हुआ था ये, ठीक है, ये लेवल। तो ये तकरीबन 43,000 जो है ना 90 का जो है ये लेवल है। मार्केट ने अपने इसी लेवल को आज टेस्ट किया, यानी कि फिर दोबारा इसी लेवल पर आई जहाँ पर ये पहली दफ़ा आई थी जब मार्केट के अंदर करेक्शन शुरू हुई थी। ये तकरीबन ये टाइम है दिन 2 दिसंबर का जो है हमें नज़र आ रहा है ये, तो यानी कि पिछले वीक की बात हो रही है। फिर इसके बाद जो है आगे मार्केट के जो मजीद सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मजीद ये वाले सपोर्ट लेवल जो है ये आपको नज़र आ रहे होंगे 42,973 और पीछे फिर ये दो ही छोटे छोटे बार हमें नज़र आ जाते हैं। आखिरी लेवल जो होगा हमारे पास मार्केट का 42,746। अब जो है मार्केट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर इसके बैंड यहाँ पर ड्रा कर लें, दो ऊपर और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, अब यहाँ पर पोजीशन ये है कि मार्केट इस रेंज बाउंड में ही मूव कर रही है और इसका इरादा यही लग रहा है कि ये इधर ही चलती रहेगी। ये यहाँ पर जो है जो फ्रेश स्ट्रेटेजी जो है वो ये होनी चाहिए कि या तो इंडेक्स इस लेवल से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, फिर फ्रेश बाइंग जो है वो हो सकती है, या फिर जो है या मार्केट इस लेवल से नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर एकदम से तेजी की तरफ हम देखेंगे कि मार्केट फिर नीचे की तरफ आपको काफी तेज आती हुई नजर आएगी। इसी को यदि अगर हम लोग मैं डे का टाइम फ्रेम लगाकर और ये दो चीजें अगर आप अपने जहन में रखें, ये वही लेवल, जैसे ये लेवल, ये लेवल, ये छोटे टाइम फ्रेम में आप ये देख रहे थे, सिर्फ इतना सा हिस्सा देख रहे थे, ये जो भी मैंने 5 मिनट लगाया था 5 मिनट में आपको सिर्फ ये चीज नजर आ रही थी ये। और अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ ये वाली नीचे बॉटम, ये वाली बॉटम, तो इस बॉटम के नीचे जो अगली बॉटम है वो ये वाली बॉटम है, यानी ये लेवल आ जाते हैं मार्केट के 38,599 का लेवल, यानी ये लेवल फिर अब बहुत अच्छे लेवल होंगे वहां पर फ्रेश बाइंग के अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, यानी आप लोग अभी इस मार्केट अभी इस जो है ना जोन में मूव करिए।
तो ये छोटा सा जोन है, बेहतर ये कि इस जोन में अपनी पोजीशन को जो है वो बेहतर है क्लियर ही की जाए। अगर कोई स्टॉक बराबर में है या कोई थोड़े बहुत प्रॉफिट में है तो शॉर्ट टर्म पर स्टॉक निकाले जा सकते हैं। अगर आपकी अच्छी कंपनीज के स्टॉक हैं वो बेशक पड़े हैं, उनमें कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए हुए फिर तो वो रिकवरी कर सकते हैं ये। और जो है ना फ्रेश बाइंग, जहां तक फ्रेश बाइंग का ताल्लुक है, जब तक ये लेवल बताया हुआ है, जब तक ये लेवल से ऊपर पर मार्केट ना आ जाए, ठीक है, तब तक फ्रेश बाइंग जो है वो रिकमेंड नहीं की जा सकती, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, जैसे ऑलरेडी पहले बताया ये लेवल, और फिर इस लेवल की असल में प्रॉब्लम ये है कि इस लेवल के नीचे हमें वॉल्यूम जो है वो बहुत श्रिंक वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, तो बहुत एक्सपेक्ट है कि यहाँ पर मार्केट ज्यादा सस्टेन ना कर पाए। और फिर अगले लेवल जो मार्केट के हो सकते हैं, ये लेवल भी मार्केट के आप देख सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं। तो बहरहाल फिलहाल ये जो लेवल है ये बहुत सेंसिटिव लेवल है, मार्केट बहुत सेंसिटिव जोन में मूव करिए। ये जो बीच वाला जोन है इसको बहुत सेंसिटिव जोन कहा जाता है, और यहाँ पर डेंजरस है मार्केट, या तो ऊपर जाए या नीचे आए, क्योंकि यहाँ बीच वाली जो पोजीशन है तो इसमें कोई पोजीशन होल्ड करना जो है वो रिस्क से खाली नहीं है। अच्छी कंपनी के स्टॉक अगर आपको कोई लगे, कोई अच्छी कंपनी आपके पास पड़ी हुई है तो वो ली जा सकती है, अदरवाइज जो खासतौर पर या कोई स्टॉक बहुत ज्यादा लॉसेज में है उनको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बराबर में है या कोई थोड़े बहुत लॉस में तो इस दरमियान वाली पोजीशन में, क्योंकि ये डाउटफुल पोजीशन है, इसमें या तो नीचे है तो या फिर ऊपर है ये, तो फिलहाल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ऊपर के हालात तो काफी नजर आ रहे हैं, नीचे के चांस हमें कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। जैसे मार्केट का आज इसी लेवल को जो है वापस नीचे आना और अपने इस लेवल को टच करना, खासतौर पर ये जो लेवल था मार्केट का, मार्केट ने आज फिर इस लेवल को टेस्ट किया, यानी ये वो लेवल है जहां पर 12 अक्टूबर 2021 को मार्केट आई थी। आज के दिन इसको फिर मैं जरा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको चीज क्लियर आ जाए। तो यानी ये वो लेवल है, मार्केट ने अपने फिर उस लेवल को टेस्ट किया, ये वो लेवल है जहां पर 12 अक्टूबर को मार्केट आई थी, और इससे पहले मार्केट यहां पर भी इस लेवल को आई हुई थी तकरीबन 11 मार्च 2021 को। तो आज फिर मार्केट ने उस लेवल को दोबारा टेस्ट किया। ये पहले हमारा ख्याल ये था कि ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी हुई है मार्केट इसको टेस्ट करके वापस चली जाएगी, लेकिन अब फिर जो है मार्केट उसी को बार बार टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जब एक जगह पर बार बार पत्थर लगेगा तो वो जगह टूट जाएगी। अगर मार्केट इस लेवल को बार बार टेस्ट करेगी तो ये लेवल टूटेगा और फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि ये थोड़े से जो है वो डेंजरस लेवल है। ये एक आध कोई एक दो स्टॉक देख लेते हैं जिनमें हम लोग आज के दिन जो है, जैसे हमने ट्रीट और टीआरजी को जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखा। अगर आपके पास टीआरजी या ट्रीट वगैरह जो है वो मौजूद है तो उसका भी अगर टेक्निकल हम देखें तो टीआरजी की भी आज कैंडल जो है वॉल्यूम इसके अंदर भी जनरेट हुए हैं ये। और छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करेंगे, छोटे टाइम में आज ये क्या करता रहे, तो छोटे टाइम आज के दिन में जो है खासतौर पर टीआरजी 10 तारीख के बाद से आज तकरीबन इस जोन में जो है ये मूव कर रही है। तो टीआरजी जो है तेज हो सकता है, अगर टीआरजी ये ऊपर का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, या अगर आने वाले दिनों में ये नीचे के लेवल पर आ जाता है और नीचे का लेवल फिलहाल ये जो जोन का करीब का जो लेवल नीचे का ये वाला लेवल इसका 96 का बनेगा शॉर्ट टर्म में। और थोड़ा से लंबे टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर ये नीचे कुछ ज्यादा नजर आ रही है तो आपको ये लेवल ड्रा करना पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में इसको बीच में से बेशक आप निकाल दें, अगर आपको टीआरजी जो है इस लेवल से नीचे आता हुआ नजर आए तो फिर इससे निकलना बनता है। अगर इसे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, यही लेवल इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। जब यहाँ से निकलेगा तो बाइंग की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस फिर आपने 98.74 का ही स्टॉप लॉस फिर अपने जहन में रखना है। इसके अलावा जो है हम लोग ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं जो आज के दिन भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ट्रीट जो है हमने काफी टाइम से देखा कि ट्रीट जो है तकरीबन अपने इस जोन में ओवरऑल तकरीबन इस जोन में जो है ये मूव कर रहा है। और अगर इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग बात करें ट्रीट की, तो ट्रीट जो है इसका भी लेवल अगर आप इसको ड्रा करने की कोशिश करें, एक ट्रीट का ये लेवल है थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ ऊपर वाली कैंडल इसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ, और इसके अलावा छोटा जोन जो है यहाँ नीचे की हम लोग बात करते हैं। तो जब तक ट्रीट जो है 38.95 रुपये और 40.89 के दरमियान है, तब तक ये बिल्कुल सेफ है। जिस टाइम ये 40.89 से ऊपर की क्लोजिंग देगा और इन लेवल्स को, ये जो लेवल है मार्केट इसके ट्रीट के, ये थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर ड्रा करूँ, ये इन लेवल से अगर ट्रीट ऊपर निकल गया तो तकरीबन 41.80 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर काफी चांस है कि ये थोड़ी बहुत ऊपर इसको जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, फिर निकल जाएगा। जब तक ट्रेड ये वाला नीचे का लेवल ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाता 38.95 से, तब तक जो है फिलहाल ये सेफ ही है ये। और नीचे अगर आप इसके वॉल्यूम देखें तो आज के दिन जो है छोटे टाइम फ्रेम में इसके वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए ये। तो ये था तकरीबन हमारा आज का वी लॉग इंट्राडे के वाले से सेकंड सेशन में देखते हैं कि मार्केट क्या करती है।
स्ट्रेटेजी आप लोगों की एक दफा फिर मैं रिपीट कर लूं, जब तक इंडेक्स आपका 44,100 से ऊपर ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक फिलहाल फ्रेश बाइंग स्टॉक मार्केट के अंदर करना बिल्कुल रिस्क है, खाली नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में मार्केट जो है 42,700 या इवन 43,000 का लेवल फिर बार बार टेस्ट करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, तब भी बहुत चांसेस है कि 2-3,000 पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल जाएंगे। ये फिर 2-3,000 पॉइंट अगर निकलते हैं तो नीचे के लेवल आप लोगों के लिए फ्रेश एंट्री के लिए जबरदस्त लेवल होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस लेवल पर भी स्टॉक बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, तो 3,000 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आती है तो और भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये तो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर काम करते हैं, वो अच्छे लेवल का इंतजार करते हैं, और यानी कि जब उनको लगता है कि इस लेवल में अब ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है तो वहां पर जो है वो उसकी एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर होंगे वो इस मौके की तलाश में होंगे कि इंडेक्स यहाँ से गिरे और हम अपना पैसा जो है स्टॉक के अंदर डालेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने भी अपनानी है, इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे लेवल पर आपकी बाइंग हो जाएगी, फिर कुछ अर्सा आपने इंतजार करना होगा और फिर उसके बाद आपको ह्यूज रिटर्न जो है वो मिल सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को आज के इस वीलॉग सेशन के साथ इजाजत दें। जुम्मे का दिन है, जुम्मा मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारक हो, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, पाकिस्तान को पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए खसूसी दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़।